फाइनली पोको एक्स टू 66 डे के बाद आ गया है। देख सकते हैं कहीं से भी कुछ खुला नहीं है, सब देखे, ऑर्डर डिटेल भी सब कंफर्म किया है। तो चलिए इसे ब्रेक करते हुए, सब अच्छी तरह से पैक आया है, कोई दिक्कत वाला बात अभी तक लग नहीं रहा है। ये बिल देख सकते हैं, हाँ बिल तो सही है, ये भी पूरा पैक है। तो ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा पोको एक्स टू, देख सकते हैं सब डिटेल विटेल सब है इसमें, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के चलते सील दोनों अभी पैक ही है। बाकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं आप, बहुत इंतज़ार के बाद आया है, ऑलमोस्ट 66 डे, 2 महीने से भी ज़्यादा टाइम लगा है इसको आने में। तो मोर देन 60 खोलते हुए देखते हैं बैग में कंटेंट क्या क्या है। कवर, बाकी इसमें एक सिम इजेक्टर टूल है, इसके अंदर टीपीयू केस दिया है, अच्छा है, लॉकडाउन के टाइम में कहाँ पे आदमी जाएगा। बाकी फोकट का ज्ञान है, पड़े तो अच्छा है, ना पड़े तो और भी अच्छा है। ये रहा प्यारा दुलारा मेरा पोको एक्स टू, देखते दूसरा कंटेंट क्या है, अभी इसमें रखते हैं, नया नया है तब तक। और ये हो गया हमारा चार्जर, मैं आज तक वीडियो में काफ़ी सारे में देखा ये, हालांकि MI मैन्युफैक्चर करती है, मगर मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना बड़ा आएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, ऐसा वेट भी इसका काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये 27 वोट का है, और जहाँ तक मैं डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से मुझे पता है कि ये टाइप सी केबल हो गया। ये कुछ 1 घंटा 20 मिनट ऐसा कुछ लेता है, या तो कुछ 120 मिनट लेता है फुल चार्जिंग होने में, तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी इसमें कुछ है नहीं अभी, तो अभी शायद जैसा मुझे लग रहा है कि इसमें अभी बैटरी तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो गया है ये यहाँ पे पड़ा ही है, बट मैं स्टार्ट फिर भी इसको, वाह क्या शाइनिंग है, एकदम कमाल लग रहा है, जैसा सोचा था उससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको भी हम निकाल ही देते हैं, क्योंकि ये इधर रहेगा तो निशान छोड़ देगा, और इतना अच्छा ग्लास बैक है उसको ख़राब कर देगा। बल्कि आप कई लोग इसको चिपका के रखते हैं, मैं तो कहूँगा कि इसको आप बॉक्स पे लगा दीजिए, जब तक बॉक्स रखेंगे तब तक साथ में ही रहेगा। मोबाइल के पीछे चिपकाने से क्या है कि यहाँ पे काफ़ी टाइम पे कई लोग 2-3 साल तक रखते हैं, तो डेंट वेंट वो तो नहीं है, मगर स्क्रेचेस आने का वो रहता है। मैं ऑन करने का ट्राई करता हूँ बैटरी होगा कि नहीं, बैटरी तो फिलहाल है, मगर 1-2 महीने यूट्यूब पे वीडियो देखे थे कि अगर आप नया मोबाइल लेते हैं तो उसको कैसे, मतलब 1-2 दिन के लिए क्या क्या करना है, वो सब मैं इसके साथ भी करने वाला हूँ। बाकी एक बार फुल चार्जिंग करूँगा पहले, बाकी इस्तेमाल शुरू करूँगा। और डायरेक्ट ही अगर आप मोबाइल लेके सब कुछ चलाने मत लीजिए, 2-3 दिन का टाइम लीजिए, क्योंकि इसमें भी सॉफ्टवेयर है, सब चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से उसको थोड़ा टाइम लगता है सेटअप होने में। जैसे यहाँ पे मैं अभी सेटिंग कर लेता हूँ,
सब एग्रीमेंट वगैरह है। चलो अभी इसको करके आगे बढ़ते हैं। सिम कार्ड है नहीं, उस स्टेप स्किप करना पड़ेगा क्योंकि सिम कार्ड में कुछ दिनों के बाद लगाने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये सब स्कैनिंग यूज लोकेशन सब शुरू ही रखता हूँ, बाकी बाद में अगर आप चाहे तो बंद कर सकते हैं, कुछ सेकंड का टाइम लेगा। ओनली स्क्रीन लॉक और फिंगरप्रिंट, चलिए फिंगरप्रिंट ही सेट करते हैं। पहले ये पैटर्न डालने के लिए ये सब बोल रहे हैं कि अगर भूल जाते हैं तो सब डेटा चला जाएगा। तो मेरा सबसे प्यारा, सबको पता ही है, अनलॉक पैटर्न यही डालना है शुरू शुरू में। फिर अभी यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है तो इसको हो सके उतना सब कवर कर लीजिए ताकि आप जैसे पकड़े तो आ जाए। फिलहाल तो ये ले तो बहुत अच्छे दे रहा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, सक्सेसफुली एड हो गया है। अभी आगे बढ़ते हैं। एडिशनल सेटिंग तो है सब। ये पोको सिर्फ कहने के लिए तो जितना मैं सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। अभी सॉफ्टवेयर थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि कुछ भी चीज़ें इंस्टॉल हुई है तो एक बार टाइम लगती है। जैसे हम कंप्यूटर में कुछ इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्ट सीधा सब कुछ चलाते नहीं है, उसी तरह से इसका भी कुछ ऐसा ही है। मगर लोग समझते नहीं है, लोग क्या है कि जल्दी जल्दी से बड़ा बड़ा गेम चलाते हैं, उससे एक्चुअली उसका परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है। अच्छे से देख सकते हैं बूट हो गया है। इसमें सब अभी तो अपने से बताएगा ये कीजिए वो कीजिए। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ कि इसमें जितना भी ये फोकट का चीज़ें दिया गया है उसको करते हैं अनइंस्टॉल, क्योंकि पैसे दिए हैं तो ये सब चीज़ों के लिए तो कोई दिया नहीं है। देखिए ढेर सारा उससे अपने से गेम दिया है, ये सब गेम अगर आप, मेरा तो यही मानना है कि अनइंस्टॉल कर दीजिए, फोकट में अपने से चलता रहता है। एक दो रखता हूँ, देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है बाकी सब करने के लिए। एक वाला रखता हूँ क्योंकि बहुत छोटा था तब ये खेला था। स्क्रीन प्रोटेक्शन के नाम पे अभी इस पर कुछ मतलब कुछ नहीं है, जीरो है एकदम, तो थोड़ा इस्तेमाल करने में ज़्यादा ख्याल रखना है। बाकी गाना फेसबुक सब है, हो सके तो सब निकाल ही दीजिए, अपने से बाद में ज़रूरत पड़े तो इंस्टॉल कीजिए। एक चीज़ नहीं आई है वो बहुत ही अच्छा लगा, हालांकि वो भी मैं तो यूज़ करता नहीं हूँ, हो गया हमारा पोको एक्स टू, देख सकते हैं। चलिए इसको लॉक अनलॉक करने की सोचता हूँ। अभी देखते हैं कितना इसका पावरफुल है, देख सकते हैं ये बटन की तरह भी काम करेगा और उंगली में तो कुछ है। इसका सेटिंग होता है, देखिए बहुत ही अच्छा जा रहा है, जैसे छूते ही मतलब हो रहा है, डायरेक्ट स्क्रीन ही दे रहा है। काफ़ी पावरफुल है, कैमरा देख लेते हैं, अलाउ तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा टाइम लेता है कैमरा भी शुरू होने में। बहुत सारे भरपूर मोड दिए गए हैं इसमें कैमरा के लिए, तो एक जूम हो गया, अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा हो गया, मतलब काफ़ी सब चीज़ें हैं, स्लो मोशन वगैरह सब बहुत है इसमें। चलिए अभी फ्रंट कैमरा ट्राई करते हैं। कुछ ऐसे शूट हो रहा है, चलिए बहुत ही अच्छा, मेरी ओर से थम्स अप है। आखिरकार 66 डे के बाद आ ही गया,